हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि 22 अप्रैल को राजेंद्र भवन आईटीओ तो फिर 12 बजे संडे के दिन जरूर पहुंचे। इन क्लब जिंदाबाद 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 यू हैप्पी एंड डाउन 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 यू हैप्पी एंड डाउन 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 प्रोफेसर जी एन साईं बाबा को रिहैक करो रिहैक करो रिहैक करो डीयू प्रोफेसर जी एन साईं बाबा को रिहैक करो रिहैक करो रिहैक करो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा कि जी एन साईं बाबा जो 90% जिसे बनना है वो पैसे जिम्मेवार हो सकते हैं उस डेवलपमेंट का जो महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। असल में बात यह है डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ के जो आदिवासियों का जो अधिकार है जल जंगल जमीन पे उस अधिकार को छीन के कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है। हमारा सरकार एक दलाल सरकार है जो पूंजीपतियों का दलाली करने में लगा हुआ है और आदिवासियों के हक के लिए दलितों का हक का मुस्लिम का हक का इनसे इनको कोई ताल्लुक नहीं है। ये लगातार टारगेट करते रहे हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, फिर वो चाहे मुस्लिम हो दलित हो आदिवासी हो महिला हो या कोई भी बुद्धिजीवी हो जो इन लोगों के अधिकारों के लिए लिख रहे हैं बोल रहे हैं। इसके साथ साथ इस बात पे भी गौर करने का बात है ये इंडिया हो सकता है और भूटान हो सकता है। जी एस आई बाबा जो की 90% डिसेबल है जो की वॉशरूम भी यूज नहीं कर पा रहा है, वॉशरूम यूज करने के लिए उनको क्रोल करना पड़ता है, उनका बाया हाथ जो है वो भी बेकार होते जा रहा है, कंडीशन डिट्यूरेट कर रहा है, लेकिन इंडियन स्टेट कोई भी मेडिकल केयर देना नहीं चाहता है, नहीं दे रहा है। उसके अलावा ये अपने ही कानून को तोड़ रहे हैं लगातार। इनका जो कानून है डिसेबिलिटी एक्ट उसके अंतर्गत और भी जो यूएन रिजोल्यूशन किया है इंडियन स्टेट उस रिजोल्यूशन के अंतर्गत भी ये बात था कि जो 60% डिसेबल्ड है या जो उससे ज्यादा डिसेबल्ड है उनको इंकार्सिनेट नहीं किया जा सकता है, उनको जेल में नहीं रखा दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद इन सारे नियमों को तोड़ते हुए सारे मानव अधिकार का हनन करते हुए साईं बाबा को जो कि 90% डिसेबल है उनको सोलिडिटी कंटेनमेंट में रखा गया है। इसके साथ साथ असल में दोस्तों भारत के अंदर इस टाइम दो तरीके के कानून काम कर रहे हैं, एक वो जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आसिफाज जो लड़की थी उसके साथ बलात्कार हुआ उसके आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्नाव के अंदर जिन्होंने बलात्कार किया उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, बाबू बजरंगी जो कि एक संगी गुंडा है उसको 14 बार जमानत दी जा चुकी है, वो भी मियर इस बात पे कि उसके हालात थोड़े से खराब है, एक बुखार हो गया तो उसको जो है जमानत दे दी जाती है साथियों। लेकिन प्रोफेसर जी एन साईं बाबा हे मिश्रा पंडू नरोटे प्रशांत राय और बाकी लोग को एक दिन के लिए भी वो लोग आंखों से सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनका पूरी सर्दियों के अंदर एक कंबल तक नहीं दिया गया साथियों, इतने अत्याचार उन पे किए जा रहे हैं। यूपी के अंदर जो चंद्रशेखर रावण का आंदोलन था दोस्तों वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस्तियों में छोटे छोटे छात्रों को पढ़ा के कुछ स्कूल खोल रहे थे, उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और जो जातीय दंगे थे उनके विरोध में समाज को जागरूक कर रहे थे कि हमें जाति पाति में न बट के एक बेहतर समाज के लिए संघर्ष करना है दोस्तों। लेकिन आज वही चंद्रशेखर रावण जेल में है जिनपे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया दोस्तों, उसके बाद SSC CGL ये CBSC का एग्जाम जो हुआ है, जुडिशरी का एग्जाम हरियाणा के अंदर भी है, तमाम जुडिशरी मेडिकल का या महाराष्ट्र के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जितने एग्जाम आप जानते हैं सब आज लीक हो रहे हैं, हरियाणा का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो रहा है दोस्तों, जो नौजवानों के रोजगार के साथ खेल रहा है, नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रहा है दोस्तों, उनके लिए कोई सजा नहीं है। लेकिन जो लोग साईं बाबा जैसे लोग हेम मिश्रा जैसे लोग जो पंडू नरोटे हेम मिश्रा जैसे लोग और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते हैं, मजदूर किसानों के लिए आवाज उठाते हैं, दलितों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाते हैं दोस्तों, वो सलाखों के पीछे है। ये दोहरा कानून बहुत घटिया तरीके से काम कर रहा है, इसने पूरा जो है न्याय व्यवस्था को पलट के रख दिया दोस्तों। उसके अंदर पहले था कि आप लोग सभी भी क्रिमिनलाइज आपको किया जाता गिरफ्तार किया जाता है तो
पर जिसने आए आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बताए कि आप कैसे दोषी हैं। लेकिन यूएपीए अब सपा जैसे ऐसे कानून लेके आके दोस्तों इन चीज की जरूरत नहीं रही है। आज हम लोग को डिफेंड करना पड़ता कि हम दोषी क्यों नहीं है दोस्तों। इसीलिए इस फासिस्ट रिजाइन के खिलाफ हमें बोलना होगा, जो भारतीय राजसत्ता की हिंसा है उसके खिलाफ बोलना होगा, छात्र आंदोलन खड़े करने होंगे, नागरिक आंदोलन खड़े करने होंगे दोस्तों। उसी कड़ी के अंदर 22 अप्रैल 2018 को राजेंद्र भवन आईटीओ के अंदर कुछ बुद्धिजीवी प्रोफेसर रिटायर्ड जजेस, जिसके अंदर रिटायर्ड जज एच सुरेश, रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और रेबिका जॉन सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय, आर एस बेंस, इस तरह के नामी ग्रामी प्रोफेसर हरगोपाल, इस तरह के लोग आ रहे हैं दोस्तों। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि 22 अप्रैल को राजेंद्र भवन आईटीओ दोपहर 12 बजे संडे के दिन जरूर पहुंचे। इन क्लब जिंदाबाद, 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 यूएपीए डाउन 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 डाउन, यूएपीए डाउन 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 डाउन। क्यों प्रोफेसर जी एंड साईं बाबा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अच्छा, आपका नाम क्या है? उज्ज्वल नाम। अच्छा, ये अभी जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस संगठन ने ऑर्गेनाइज किया है? कमेटी फॉर डिफेंस एंड रिलीज ऑफ जीएन साईं बाबा। जोर से बोले, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। कमेटी फॉर डिफेंस एंड रिलीज ऑफ जीएन साईं बाबा। अच्छा, जीएन साईं बाबा वो कमेटी ये ऑर्गेनाइज किया है। वो कमेटी असल में जीएन साईं बाबा और बाकी जो राजनीतिक कैदियों हैं उनके रिहाई के लिए बराबर डिमांड उठा रही है। और जीएन साईं बाबा को जिस संदर्भ में अंदर किया गया है वो संदर्भ ये है कि जीएन साईं बाबा हमेशा से जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है उसके खिलाफ बोलते रहे हैं। और जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है, जो स्टेट इंडियन स्टेट का एक पॉलिसी रहा है, उस पॉलिसी के थ्रू आदिवासियों को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया जा रहा है। जैन साईं बाबा हुए, हेम मिश्रा हुए और तमाम सारे लोग शांत रहे हैं, शांत रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इन सारे लोगों को यूएपीए के अंतर्गत रखा गया और रखा इसलिए गया है क्योंकि वो लोग ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ हो रहे हैं। अब ऑपरेशन ग्रीन हंट को समझने का जरूरत है। ऑपरेशन ग्रीन हंट इंडियन स्टेट का एक पॉलिसी है जिसके थ्रू आदिवासी को जबरदस्ती उनके जंगल जमीन से डिस्प्लेस किया जा रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि उन जमीन के अंदर जो मिनरल रिसोर्स है उसके ऊपर वो लोग कॉरपोरेट का कब्जा करवाना चाहते हैं और इसके थ्रू वो लोग साम्राज्यवादी पूंजी जो है उस पूंजी को भारत में स्पेस दे रहे हैं। और इसके करने के लिए पूरा का पूरा सरकार जो है वो साम्राज्यवादी पूंजीवादियों का दलाल बना बैठा है। और इनके लिए जो आदिवासियों के हक के लिए बात कर रहे थे जीएन साईं बाबा जैसे बुद्धिजीवी, उनको टारगेट किया गया है और उनको एक ऐसा लॉ जो कि अपने आप में ही असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है, जैसे यूएपीए जैसा। अब उस यूएपीए में भी समझने का बात यह है कि नॉर्मल जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में एक इंसान को निर्दोष माना जाता है जब तक कि ये साबित करना, जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट ही इज गिल्टी। लेकिन इस कानून के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत, आपको पहले ही ये अज्यूम किया जाता है कि आप गिल्टी हैं और आपको साबित करना होता है, आपके ऊपर वो ओनस होता है कि आप ये प्रूव कीजिए आप कैसे गिल्टी नहीं। अच्छा, अभी मैं सुन रहा था कि 22 तारीख को जो है आप लोग एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि वो उसमें कौन कौन लोग आने वाले हैं और उसका मुख्य मुद्दा क्या है? 22 तारीख को भी हम लोग यूएपीए का जो नेचर है और किस तरह से इंडियन स्टेट यूएपीए जैसे कानूनों को यूज करके सारे फॉर्म ऑफ जो डिसेंट है जो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं उस आवाज को दबाने का साजिश किया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही सारी राजनीतिक कैदियों का रिहाई का भी डिमांड उठाएंगे। इस कन्वेंशन को एड्रेस करने के लिए हमारे बीच रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी होंगे, रिटायर्ड जस्टिस एस सुरेश होंगे, रेबिका जॉन होंगी, उसके बाद प्रशांत भूषण होंगे और कल्पना अनिन बन है, वो भी हैं प्रोफेसर, एक प्रोफेसर हरगोपाल हैं वो भी रहेंगे और अरुंधति रॉय भी आज। आप कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि आप इस कन्वेंशन में ज्यादा से ज्यादा नंबर पे आए और साथ ही आप जो नरेटिव दिया जाता है स्टेट के द्वारा, जो नरेटिव दिया जाता है मीडिया को, उस नरेटिव को ब्रेक करके थोड़ा ये सोचे कि जो टैग लगाया जा रहा है, किसी को मोइस्ट बोल दिया जा रहा है, किसी को आतंकवादी बोल दिया जा रहा है, और ये टैग लगा के थ्रू सारा जो आवाज है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है हमारा, वो डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म कर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर एक बार जब बोल दिया गया है कि आप नक्सल हैं तो लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बात रखने के लिए आपको स्पेस नहीं है। अभी जो वर्तमान स्टेट हम देख रहे हैं कि अभी जो ब्लास्ट के कल परसों छूट गए सारे, उसके जज ने बाद में रिजाइन कर दिया, गोधरा के लोग सारे छूट गए, हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है
खुद ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि जितने के ऊपर ये जो केसेस हैं सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, तो ये जो सरकार है, पिछली सरकार ने आदिवासियों को टारगेट किया, इस सरकार ने खुद को बरी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूपीए जो है, चाहे कांग्रेस लेड हो चाहे भाजपा लेड हो, आदिवासियों के सिचुएशन, डाउन ट्रोडन सिचुएशन वो लगभग एक ही है। बिल्कुल, यही बात हम लोग भी बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी के आने से ही ये सब चीज हो रहा है या कांग्रेस के आने से ये सब नहीं होगा। ये एक्चुअली इंडियन स्टेट का नेचर रहा है, जो शुरुआत से ही ब्रह्मनिकल फैसिस्ट नेचर है इसका, और वो जो है इंपीरियल कैपिटल को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है, और उसके साथ साथ जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रख रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बाबू बजरंगी जैसा जो अपराधी है, जो खुलेआम गुजरात स्वीट्स के अंदर बोलता है कि हाँ हम करवाए हैं, जो ऑन अप करता है पूरे चीजों को, उनको ये लोग पूरा बेल पे रिहा कर रहे हैं, लेकिन वैसा इंटेलेक्चुअल जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको कैद करके रखा जा रहा है। तो ये पूरा स्टेट का ही नेचर है, जो हमेशा से ही स्टेट इस तरह से काम किया है, इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत पहले भी स्टेट ऐसा ही था। फिर वो चाहे ऑपरेशन ग्रीन हंट हो, फिर वह फिर अभी मिशन 2019 आ रहा है, ये सब सारा चीज इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बातों से। ओके, थैंक यू। सो जाओ।